स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल भाई बहन माइंड में। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया है जिसमें कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सारे आते थे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए, सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, दिस ऑल आर कॉम्प्लेक्स। आप समझ में, ये जो नाम से समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इनके जो स्ट्रक्चर होंगे या फंक्शन होंगे वो सिंपली नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स होंगे। आया बात समझ में। नेक्स्ट देखिए होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल व्हिच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये कैसे बने होते हैं, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल व्हिच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ये करते क्या है भैया, एक यूनिट के तहत वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। अरे बस समझ में, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल व्हिच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। ये एक टाइप से, एक टाइप के ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, मगर करते क्या है कि ये सारे सेल्स मिलके एक ही फंक्शन को करते हैं। अरे बस समझ में, इतना है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल्स, ठीक है। करता क्या है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हेल्प करता है। वाटर हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए और मिनरल्स हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद देखिए क्या है, ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू, इसको कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। कंडक्टिव टिश्यू तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और वैस्कुलर टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस ऑल फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स इन प्लांट सेल। ये होते क्या है कि वेसल्स के फॉर्म में फाउंड पाए जाते हैं प्लांट सेल में। उसके बाद देखिए क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर वर्क एज वैस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम और फ्लोएम है यही क्या करते हैं भाई, वैस्कुलर बंडल्स के जैसे काम करते हैं। अरे बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ये दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। अब देखिए हम जाइलम को देखते हैं, तो जाइलम क्या होता है कि जाइलम का फर्स्ट पार्ट है ट्रैकिया, दूसरा है, इसको भी मैंने डिवाइड किया है, जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड किया गया है। तो जाइलम के फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रैकिया, दूसरा हो गया वेसल्स, तीसरा हो गया जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा हो गया जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ये जाइलम के टाइप्स हैं, ट्रैकिया, वेसल्स, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा। देखिए फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट्स हैं, सेरी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या है, फ्लोएम के ये चार टाइप्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपको इतना पढ़ना है। अब आगे हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। इतना तो मुझे क्लियर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं किसको है, इनके टाइप्स क्या है, इनके टाइप सब टाइप्स जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स, जाइलम और फ्लोएम, और ये जाइलम के चार और फ्लोएम के भी यहाँ चार है। आ रहा समझ में, इतना हमने आपको दे दिया। अब हम देखेंगे क्या जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है, किस फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पहले फीचर्स मेंशन किया है, किस किस फीचर्स पे मैंने डिफरेंस किया है जाइलम और फ्लोएम को। तो पहला फीचर्स मेरा है सेल। सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, एडेड होते हैं, उसके आधार पे है। उसके बाद सेल वॉल है, मटेरियल है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, परमिएबल होता है कि कोई मटेरियल आपके अंदर आ सकता है, ट्रांसफर मटेरियल जहाँ पे होता है इट्स नोन एज परमिएबल, और जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स नहीं होता है इट्स नोन एज इम्परमिएबल। अरे बस समझ में, अगर आगे इम लग गया तो यहाँ पे मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है,
आराम से समझ लेना। उसके बाद देखिए क्रॉस वॉल, यहाँ पे नेक्स्ट है क्रॉस वॉल, दीवार को क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म और उसके बाद लास्ट क्या है डायरेक्ट फ्लो ऑफ मटेरियल्स। जैसे मटेरियल्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ मटेरियल्स मतलब क्या है, मटेरियल्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आराम से समझ में, डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम फीचर्स में आते हैं, साइलम का फीचर्स के आधार पर, साइलम और फिलम के फीचर्स के आधार पर हम देखते हैं। तो सेल के आधार पर अगर देखेंगे तो सेल साइलम का जो होता है वो डेड होता है और फिलम का सेल जो होता है वो लिविंग सेल होता है। हर बात समझ में, साइलम के सेल डेड होते हैं और फिलम के सेल लिविंग होते हैं। एक चीज और आप समझिए कि स्टार्टिंग में ही डेड नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर डेड टिश्यू या डेड सेल होगा तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ करने के लिए जब वो अपना एक्सट्रीम पोजीशन गेन कर लेता है, एक्सट्रीम पोजीशन गेन करने के बाद क्या होता है कि वो डेड कर जाता है। अरे बात समझ में ना, तो ये क्या होते हैं जाइलम के सेल डेड होते हैं और फ्लोएम के टिल लाइफ होल लाइफ में फ्लोएम के सेल लिविंग होते हैं। सेल वॉल देखिए क्या होता है, जाइलम का सेल वॉल थिक होता है और फ्लोएम का सेल वॉल थिन होता है। नेक्स्ट देखिए किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, तो जाइलम लिग्निन मटेरियल से बना है और फ्लोएम सेलुलोज से बना है। हर बात समझ में, जाइलम किस मटेरियल से है, लिग्निन और फ्लोएम सेलुलोज। उसके बाद देखिए फीचर्स में देखते हैं, तो परमियबिलिटी, जाइलम इम्परमिएबल है। हर बात समझ में, जाइलम क्या है इम्परमिएबल है और फ्लोएम क्या है परमिएबल है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रॉस वॉल, साइलम का क्रॉस वॉल क्या है नन कोई नहीं है और फ्लोएम का क्रॉस वॉल क्या है सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स के थ्रू ये अपने मटेरियल को क्रॉस करते हैं। जैसे देखिए ये जो फ्लोएम का सेल्स होते हैं ना, तो ये मटेरियल्स में यहाँ पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइटोप्लाज्म, सॉरी क्रॉस वॉल हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि साइलम में नहीं होता है क्योंकि वो डेड होता है, डेड सेल में साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है और लिविंग सेल में फ्लोएम में क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, तो साइलम का अपवर्ड होता है और फ्लोएम का डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स दोनों होता है। कैसे तो समझिए, जैसे मान लीजिए ये ट्री है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्री में एक लीफ हो गया ना, जितने भी लीव्स होते हैं, तो ये क्या करता है साइलम क्या करता है, यहाँ पे जितने भी मटेरियल मिनरल्स और वाटर होते हैं उनको क्या करता है कि वो लीव्स तक पहुँचाता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, लीव्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है साइलम करता है। अब यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड प्रिपरेशन हुआ और फूड प्रिपेयर होने के बाद क्या होता है कि जो फूड बन गया इसका ठीक है, फूड मटेरियल रॉ मटेरियल से फूड मटेरियल बना, तो फूड क्या होता है कि ऑल ओवर प्लांट पार्ट्स में जाता है ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अपवर्ड भी जा रहा है डाउनवर्ड भी जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स के सारे पार्ट्स को फूड की जरूरत होती है, इनफैक्ट के रूट को भी फूड की जरूरत होती है, तो वहाँ से फ्लोएम के थ्रू ही रूट तक फूड्स आते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स दोनों हो गया, डाउन और अप को दोनों मोशन करता है। ये आपका साइलम और फ्लोएम का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू जो होता है वो खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास से एनिमल टिश्यू की तरफ बढ़ूंगा। अरे बात समझते हैं, हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक हमको पढ़ना था वो हम पढ़ लिए हैं। आप यहाँ तक का क्या कीजिएगा कि इंडेक्स क्वेश्चन करते रहिएगा और जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।